एक मुसलमान पार्टी है, हम लोगों ने उनको लाएंगे और हमारी अच्छी होगी। अगर हमारी पार्षद हो रही है तो इंशाल्लाह हमारी दिल्ली को अपने दिमाग को चल पाएंगे, इंशाल्लाह सबको मतमईन। सिंधिया साहब आ चुके हैं जो MIA का प्रतिनिधित्व है, के हमारे बीच इम्तियाज साहब आ चुके हैं जो MIA के जो सांसद हैं, और उनके लिए देखे माशाल्लाह कितने लोग जोरों शोर से भीड़ देखे, यकीन मानिए इतना करोड़ की भीड़ दिखा नहीं मैंने। तो ये देखिए कितने साल लोग उत्साह जो है, एक नई पहल है और ओवैसी को इस साल जरूर वोट देना है और यहाँ जिताना है, किसी भी हाल जिताना है। पतंग साहब को बताना है, पहले जैसा हाल नहीं रखना है। अभी 15 साल 8 महीने हो गए, जो भी बेसिक कम्युनिटीज है यहाँ का, किसी ने इस बार अब हमें मरकज में ताले नहीं लगवाने, चांदबाग में कतलेआम नहीं कराना, शाहीनबाग में ठंड में नहीं बैठना। तो देख सकते हैं मरकज में भी ताले नहीं लगवाने पे आ चुके हैं, और देखिए माशाल्लाह क्राउड देखिए कितने भीड़ है, लोगों ने कहा है कि इस बार लड्डन भाई को जिताना है, और ओवैसी साहब का आवाज लगाते देखिए पुलिस आवाज लगाते हैं, लोग नारे लगा रहे हैं कि किसका सर को जिताना है और अगली नीति क्या है इसका बताने के लिए हमारे साथ इम्तियाज अली है साहब का है। जैसे जैसे भी हालात आए बैरिस्टर असद दीन आप लोग खड़े रहिए, मेरे तीन की साहब ने उस नूर को अपने पीरे मुर्शिद की गोद में ले जाकर रख दिया। पीरे मुर्शिद ने यह कहा ये आने वाले मुसलमानों का मसीहा है, बैठे हुए हैं, अगर वो उठ जाए और अपनी माओ और बहनों को बैठने का मौका दे दें, और जितने भी नौजवान लड़के हैं वो चले जाए तो उसके बाद यूपी के सदर जनाब मुहम्मद हफीज साहब का आप इस्तकबाल करेंगे, उनके सामने से बहुत बहुत खुशी हो रहा है। आगे फोटो शुरू जाएंगे, आप मेरी दरख्वास्त है कि वफद भूरे भाई, वफद भूरे भाई आगे है और जगमल के सदर का लखन साहब और वफद भूरे साहब और मैं तकरीबन यहाँ 30 साल से यहाँ रहता हूँ इस इलाके में, जिस टाइम यहाँ इसका जितने मकान हुआ करते थे हमेशा ये हुआ हाजिम भाई जहाँ जो है करा जाए हाजिम भाई, इसी आम आदमी पार्टी के आप लोगों ने देखा होगा पहलवान फैसला भी मरा हुआ हमारे इसी कांग्रेस के ऊपर, लेकिन अब से 2 साल पहले आपसे जब वोट करूंगा तो सिर्फ MIA के लिए करूंगा। मेरे भाइयों और मैंने ये कसम खाई है अगर जब तक मैं जिंदा, क्योंकि जैसे ही NRC का दिन आया उस टाइम 27 MP मौजूद थे मुस्लिम, जिसमें से 25 MP वो थे जो मुसलमान थे, कांग्रेस से थे, समाजवादी से थे, BSP से थे, क्या आपने नहीं किया? क्योंकि पार्टियों का यह आदेश था कि अगर आपने साइन नहीं किए तो आप पार्टी से बाहर जाओगे। अगर किसी ने हमारी
जिस टाइम एनआरसी का बिल उवैसी साहब के हाथ में आया और उवैसी साहब ने पढ़ा, उस बिल को पढ़ने के बाद ये कहा कि मुसलमानों के खिलाफ है और उसे कचरे के डब्बे में फाड़ कर फेंक दिया। मैं सभी भाइयों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारा साथ हर पल हर दम आखिरी सांस तक किया। और ये सांसें हैं, ये सांसें जो है सिर्फ अल्लाह का मोहताज है, ना किसी पार्टी का और ना ये कांग्रेसियों का ना आम आदमी पार्टी का, ये सिर्फ सांसें अल्लाह का मोहताज है। और आपके अंदर जब तक सांसें हैं हमारी ये एवं पार्टी हिंदुस्तान के कोने कोने में फैलेगी, आवाज देगी, तुम्हारे प्लेटफॉर्म पर हम एक है, वो हम यहाँ से शुरू करें। दिल्ली वालों याद रखना, कोई नहीं है सिवाय एमआईएम के, हमारे जितने प्रत्याशी हैं वही सुमित पे है कि हम आप पार्टी हमारे पीछे हमारी आवाम पूरे हिंदुस्तान में एक साथ आवाज लगा रही है, हम एक है। हमारी पार्टी काउंसलर की भूखी नहीं है, हमारी पार्टी सिर्फ और सिर्फ आवाम की खिदमत की भूखी है। और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है अगर हम उस मुकाम पे पहुंचेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपके फायदे के लिए, डोर टू डोर दरवाजे पे जाके कहेंगे, दरवाजा खटखटाने मोहताज रहेंगे, आपके काम के मोहताज रहेंगे, जितने के बाद हम आपका इंतजार नहीं करेंगे, हमारी वो पार्टी है। और आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ अगर ऐसा वक्त आता है तो इंशाअल्लाह ताला पूरे दिल्ली के वार्ड में अगर तू एक पॉइंट पे नहीं, अगर तू पे नहीं आया, 3 महीने में जो फैसिलिटियां दूंगा और जो काम करूंगा, हैदराबाद से भी आपके पास जवाब नहीं होगा बोलने के लिए कि कैसा उम्मीदवार दिया तुमने, कि दुनिया तारीफ नहीं पूरी दिल्ली तारीफ कर रही। जब तक प्रजा मेरे लिए नेता और मेरे लिए दीवार नहीं बनेगी, मैं उनके लिए कुछ भी नहीं, मेरा सब कुछ आप लोग को, मैं आप लोग पे भरोसा करता हूँ, मेरा पीआर आप लोग हो, मैं आप लोग का भरोसा खड़ा करूंगा। उम्मीद है मुझे कि आने वाले 4 तारीख को इतना ज्यादा वोटिंग करोगे और हमें इतना मजबूत करोगे कि हिंदुस्तान में आवाज जब लगेगी तो मिसाल देंगे लोग कि वैसे की जो लगातार अहंकार है वो इंसान का हर जगह है। कहने की बहुत सारी बातें हैं, हमारा एक साइन मेमोरियल प्रोग्राम है, जो भी भाई हमारे साथ जाना चाहे इंशाल्लाह चलना, आए सभी साथ प्रोग्राम भी रखते हैं। और अब्दुल अजीज औरंगाबाद के शेर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आली मर्तबत जनाब सैयद इम्तियाज जलील साहब, हैदराबाद से तशरीफ लाए जनाब हाशिम शेख साहब, जनाब शहबाज खान साहब, मेरे दिल्ली प्रदेश के सेक्रेटरी जनाब राजीव रियाज साहब, जनाब सैयद अनवर इकबाल नकवी साहब, जनाब फारूक खान साहब, यहाँ के कैंडिडेट मोहतरम कौशल इनाम सिद्दीकी और फुलटन साहब, अबुल फजल के कैंडिडेट, वो बटला हाउस एनकाउंटर हो या आतंकवाद या इसमें या टाडा या कोटा के नाम पे हमारे नौजवान उठाए जाते हो या हमारी और तरह तरह की जो असियतें या मुसीबतें हो सब इस इलाके में हमें दी जाती रही। और हम बार बार एक कांग्रेस का एमएलए हुआ करता था जिसका नाम परवेज हाशमी था, हम सब नजर उठा एक भाई भी जाकर बैठा है और वो सिर्फ आपकी दुआओं की वजह से। आज वक्त और हालात ऐसे हैं इस मुल्क के अंदर कि अगर अपनी जमात अपनी आवाज को मजबूत नहीं करेंगे तो शायद वो दिन दूर नहीं जब सारे जुल्म और सितम हमारे ऊपर आजमाए जाएंगे, जा रहे हैं, लेकिन हमारी आवाज उठाने वाला कोई नहीं। क्या वजह है कि इस मुल्क के अंदर तमाम जाति धर्म और मजहब के लोगों का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, चाहे वो लोकसभा के अंदर हो, विधानसभा के अंदर हो या महानगर पालिकाओं के अंदर हो, हमारी आबादी तो बढ़ रही है,
तो ये बात समझ में आएगी कि अगर इस मुल्क में किस तरह से हमें इलेक्शन के वक्त में बांटा जाता है, ये एक सच्चाई है कि दिल्ली के पूरी आवाम में, जिसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा हाथ था, उन्होंने कि चलिए कोई ना कोई हमारी आवाज से आवाज मिलाने वाला रहेगा। लेकिन पिछले 5 सालों के अंदर जब हम को जरूरत पड़ी, जब तुम्हें लगा कि जिस नुमाइंदे को मैंने चुनकर भेजा है, जिसको जिताने के लिए मैंने दिन और रात मेहनत की, जिसके लिए मैंने दुआएं मांगी, मुझ पर जब आफत आई, मुझ पर जब परेशानी आई, तो उसने मुंह फेर लिया। आज अगर यहां पर मजलिस के 15 उम्मीदवार, जैसा कलीम हफीज साहब ने ये कहा है, किसने रोका था हमें, हम 100 उम्मीदवार खड़े कर सकते थे, 150 कर सकते थे, 200 खड़े कर सकते थे, लेकिन हमने भी ये तय किया कि शुरुआत उन इलाकों से की जाए, उन बस्तियों से की जाए जहां पर हमारी अपनी आबादी है। कभी सोचो इस बात के ऊपर, अगर इन इलाकों के अंदर अगर हमने हमारे हरे झंडे नहीं लहराए तो फिर कहां लहराएंगे? यह आप लोगों की जिम्मेदारी है। आज बहुत सारी साजिशें चल रही है। आम आदमी पार्टी वाला सोचता है कि कांग्रेस जीत जाए चलेगा, कांग्रेस वाला सोचता है आम आदमी पार्टी वाला जीत जाए चलेगा, लेकिन मजलिस ने यहां। सो गाइज, मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहा हूं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लोग में शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक लिए बाय बाय। और मैं इस वीडियो की आवाज़ को बंद इसलिए कर रखा हूं कि यहां विदेश भक्ति का गाना हो रहा था, तो कॉपीराइट ना हो जाए, इसलिए मैंने इस गाना को क्लोज़ करके मैं अपनी वॉइस डाल दिया।